अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S7 में 4C स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं अगर कोई बग आ जाए या स्क्रीन ऑन नहीं हो रही या आपको लग रहा है कि डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक है। तो कभी कभार ये बग आता है, रेयर, बहुत रेयर केस में आता है कुछ लोगों के। तो उसको फिक्स करने का तरीका ये है, या आप लोगों ने अगर रीस्टार्ट करना है, आपका मोबाइल स्टक हो गया हो या इस तरह का कुछ, क्योंकि इसकी रिमूवेबल बैटरी तो है नहीं, तो इस वजह से इसकी हम लोग की से रीस्टार्ट करेंगे जो कीज़ हैं इसकी। तो पहले तो हम जो प्रेस करेंगे बटन वो है पावर की और वॉल्यूम डाउन की, इन दोनों को साथ हम प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। तो ये जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये अब रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली बिना बैटरी रिमूव किए या इस तरह की, क्योंकि बैटरी इसकी रिमूव होती नहीं है। और अगर आप लोगों ने रीस्टार्ट करना है, अगर आप लोगों का मोबाइल स्टक हो गया या इस तरह का कुछ, तो आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जो उसके कीज़ हैं वो ये हैं, पावर को, पावर बटन और वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम डाउन बटन जो है और पावर बटन को, दोनों को साथ आप लोगों ने प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। जब आपको सैमसंग का लोगो शो हो जाए तो आप लोग, या वाइब्रेट आप लोगों को फील होगा तो आप लोग फिर छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।